यस मेरे राय मेकअप इंस्पायर्ड लुक है जो कि मैंने कल बनाया था। इसकी वीडियो चैनल पे जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी प्यारा एंड बोल्ड मेकअप लुक है, बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है। अगर चैनल पे सॉरी सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइए, वहाँ पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मिलते रहती हैं। और यहाँ पर मैं आपको पार्लर से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड एंड मेकअप ट्यूटोरियल की बारीकियाँ जो होती हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं। एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड एंड आपको हेयर कट से कोई प्रॉब्लम आ रही है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की जाती हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरीके से का और भी एक्टर्स का इंस्पायर्ड मेकअप लुक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर ज़रूर लेके आऊँगी जो टॉपिक आपको चाहिए होगी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रबर बैंड से यूज बनाया हुआ है, ना कोई हेयर पिन है, कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से 3 अमेजिंग पोनीटेल हेयर स्टाइल, वो भी सेल्फ। तो जाके देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी, आज मैं आप लोगों का 3 इजी सिंपल बहुत ही आसान सेल्फ हेयर स्टाइल बता रही हूँ, जो कि सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से बनाओगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और काफ़ी टाइम से मुझे हेयर कट की रिक्वेस्ट आ रही है, मैम शॉर्ट बॉब हेयर कट कीजिए, तो वो हेयर कट मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और आपको आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे, तो उसका क्या रीज़न था, किस वजह से झड़ रहे हैं, तो उसका सारा कुछ डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाल भी काफ़ी जल्दी शॉर्ट करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो डे बाय डे जा रही है, तो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रीति वाई 2 सर्च करोगे तो सेकंड चैनल इजीली आ जाएगा। सिलाई से रिलेटेड ऑल चीजें, ऑल प्रॉब्लम वहाँ पे आपके आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए हमको क्या करना है, मेरे बाल में थोड़ी सी ऑयल है तो और इग्नोर कीजिएगा, कमर और ब्राउन इस तरीके से आपको हाफ पार्ट लेना है बालों का। 12.5 इंच लिया हुआ है और तीनों मिनट के उस तरीके से मिला देंगे। कंधे के लिए हाथ के लिए 12.5 इंच ले रहे हैं और इस तरीके से मिला दिया है। ऊपर से हम लोग यहाँ पे 21 इंच लेंगे, जो राउंड वाली चार मिला के हम लोग 2-2 इंच का मार देंगे छोटे से, इस तरीके से निशाना जाए। पूरा टाइटली रबर बैंड को लगा लीजिए, और वेस्टर्न ड्रेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। सेकंड हेयर स्टाइल में बताऊंगी आप लोगों को, लेंथ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं साड़ी के लिए, सूट के लिए और कुर्ती के लिए, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड से पट्टी जरूर कट कीजिएगा। ओके, दोनों पार्ट फॉलो करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये तो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, वेस्टर्न ड्रेस के लिए अच्छा है। अगर आप इंडियन ड्रेस के लिए कुर्ती वगैरह पे ये बना सकते हो, काफ़ी लेंथ पार्ट से लगेगा। 5 इंच लिए हैं, लंबाई जो है वो 13 इंच ले रहे हैं, क्योंकि चलते हैं सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। हॉस्टल के रख के सूट की कटिंग करेंगे, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको करना क्या है, आपको सिंपली थोड़ा सा जैसे हमने अभी इस वाले पोनीटेल के लिए थोड़ा क्राउन एरिया पे लिया था, लेकिन सेकेंड वाले में आपको फोल्ड कर थोड़ा नीचे से हेयर को लेना है और ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जॉर्जेट है तो उनका थोड़े से बालों को छोड़ देने का, तो ध्यान दीजिएगा कि आगे पीछे का कलर बिल्कुल बराबर हो, कहीं से भी सिलवट या जोड़ ना रहे। जैसे ये उनका तो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेना है स्टिचिंग करते टाइम, तो इस तरीके से हमने और ड्राइव को लगा लेंगे मेन पे बीच पे और उसको कट कर लेंगे। तो इसको भी रखा है, अब आपको थोड़ा यूज कर लेना है यहाँ पे, चौक सिलाई बैठाने के लिए ब्राउन की फिटिंग के लिए वहाँ पे कट लगा लिया ताकि चौक हमारा ऊपर नीचे ना हो।
दोनों पार्ट्स और ये साड़ी के लिए बेस्ट है। पार्ट्स को बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के अस्तर को कंघी लेके हेयर को खींच लेंगे, क्योंकि जब हम नीचे से बाल को निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, तो इसको आपको ऊपर की तरफ भी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। साइड से हेयर को निकाल लेंगे। देन ये हमारा साड़ी के लिए हो गया पोनी के हेयर स्टाइल, तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। चलते हैं थर्ड पोनी पे, उसकी हाफ इंच की कटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब हम लोग बाजू की थर्ड हेयर स्टाइल में हम दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी हेयर को इस तरीके से छोड़ेंगे। ओके, जितना हमारा आर्मोस था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आर्मोस की कटिंग, ये हमारी फिटिंग है 6 इंच एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड बना लेंगे। इस तरीके से कट कर दिया है बाजू की भी बाजू का कपड़ा, तो ऑलमोस्ट हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हम लोग लेंगे डोरी के लिए, डोरियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं। एक डोरी हो गया, इसमें से दूसरी डोरी निकालेंगे और चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से पहले डोरी को मैं बता लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। डोरी की थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, फाइनल लुक जरूर देखिएगा कुर्ती का किस तरीके का डिज़ाइन बना था। एक और डोरी जितना भी हेयर था आपके इस साइड भी जितना आपने छोड़ा हुआ था इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर लपेटेंगे। यहाँ पे साइड वाला कपड़े का थोड़ा सा आगे को सरका के हम सिलाई चला ले रहे हैं। अब इसको पलटते हैं, कैसे पलटना वो ध्यान से देखिएगा। डोरी को पलटने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मशीन वाली सुई का, रबर बैंड के ऊपर लपेटेंगे एंड एक्स्ट्रा कपड़े नीचे की तरफ से किया है। इस तरीके से डोरी सिली हुई थी मशीन वाली सुई की मदद से, इस तरीके से ये वाली यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डबल बैंड की मदद से रिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, इसलिए मैं इसलिए आप प्लीज डबल बैंड तो यहाँ पे अगर कई बार गलती से हमको आपको राउंड नेक कट रहा है, आपको वी नेक बनाना होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 1 इंच नीचे से इस तरीके से 9 इंच होता है, तो यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे ऊपर से थोड़ा सा, और ये हमारा इस तरीके से कट कर देंगे। तीसरा हेयर स्टाइल हो गया बिगिनर्स को, तो आप इसको कौन सा पोनीटेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की इजी हेल्पफुल सेल्फ मेकअप हेयर स्टाइल ब्यूटी पार्लर को से रिलेटेड हेयर कट से रिलेटेड वीडियो आपको डे बाय डे मिलते रहे। सेकंड चैनल पर जरूर जाइएगा, इंस्टा आईडी 324 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।